और इंडिपेंडेंस। आज का जो हमारा विषय है, मेन है कि यहाँ पे जनरल हाउस की मीटिंग नहीं बुलाई जा रही। हमने पहले लिखकर भी दिया था, लेकिन तब भी ये जवाब दे दिया गया कि अभी जो हमारे डीएम हैं उनका ऑर्डर है कि 144 दफ़ा लगी है। हम मानते हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग रख करके हम अपनी बात कर सकते हैं, हम इलेक्टेड लोग हैं, लेकिन इन्होंने वहाँ भी टाल दिया। अभी तो क्या मीटिंग करवानी है, तकरीबन 2 साल हो गए हमारी कॉरपोरेशन को, ये तो 5-6 महीने की बात है। उसके पहले भी इनको पता नहीं मीटिंग से क्या डर लगता है। पिछले 1.5 साल से टोटल 5 मीटिंगें की। तो मैं कहना चाहता हूँ, जब हमारी मीटिंग नहीं होगी, कॉरपोरेटर अपनी बात नहीं रखेंगे, तो काम कैसे होगा। कॉरपोरेटर्स को पता है कि बाढ़ में ज़रूरत किस बात की है, लोगों की डिमांड क्या है, वहाँ पे कौन सी चीज़ है जो प्रायोरिटी करनी है, लेकिन जहाँ पे बात नहीं सुनी जाती, मीटिंग नहीं होती। तो इसलिए हमारा आज का था कि मीटिंग को जल्दी से जल्दी जहाँ पे बुलाया जाए सब कॉरपोरेटर्स को, उनकी बात सुनी जाए, और जो ऑफिसर्स हैं वो भी बीच में बैठे हैं, उनको पता चले, वो जहाँ बैठे हुए हैं उनको थोड़ा पता है बाढ़ में क्या क्या ज़रूरत है, सफाई हो रही है कि नहीं प्रॉपर हो रही, वहाँ पे सड़कों की क्या हालत है, वहाँ के बाकी चीज़ें क्या है। दूसरा डेवलपमेंट पे बात थी, डेवलपमेंट जो है वो टोटली रुकी हुई है। पिछले 10-10, 12-12 महीने से जो टेंडर हुए हैं वहाँ पे काम नहीं लगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जिनको टेंडर, जिनको अलॉटमेंट हुई है, अगर उन लोगों ने काम नहीं करना है तो उनको बुला करके पूछिए, नहीं करते हैं तो कैंसिल करके रीटेंडर कीजिए, ताकि हम लोगों को काम कर सकें। जो हमने आज से 1 साल पहले एस्टीमेट बनवाए थे, जिनकी गली टूटी हुई हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, उनका काम करवा सकें, ये चीज़ थी। स्ट्रीट लाइटें आई पिछले दिनों, पहले नंबर तक कुछ बाड़ों में लगी नहीं, जो लगी हुई तो कहीं 60%, कहीं 70%, और जहाँ पर आश्वासन दिया गया था कि जो हर एक पोल पे लगेंगी और इनका 1-2 महीने के अंदर काम कंप्लीट होगा, पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं, पहले तो लाइटें नहीं मिलती थी, यहाँ से लड़ लड़ कर वो लाइटें ली गई और उनको भी बंद कर दिया गया। जो रह गए थे लोग जिनके वहाँ नहीं लगी, वो हमें पूछते हैं, लेकिन जहाँ पे कोई भी अंदर लाइट नहीं है, जब पूछो तो इनके पास एक ही जवाब है, जी अभी आई नहीं लाइटें, रिप्लेस भी नहीं हो रही। पता नहीं किस कंपनी से MOU साइन किया हुआ है, वो इन्हीं को पता है, कम से कम उनको बुलाकर पूछिए। जिनको करोड़ों रुपये इन लाइटों के दे दिए, वो लाइटें जो खराब हो गई हैं उनको ठीक क्यों नहीं करते, और ना ही नई लाइटें हैं जो हैं वो लगवा रहे हैं। हमारा था एक CBI का जहाँ पे रेड हुआ था पिछले कुछ दिनों, हमारा CTO सेक्शन में और भी कुछ उन्होंने देखा। तो हम ये कहना चाहते हैं, स्वागत करते हैं कि ये जो रेड हुआ, ये डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा किया, और इसका जो रिजल्ट है इसका हमें भी पता चले कि अंदर जो है वो क्या मिला है, जो इंक्वायरी कहाँ तक पहुँची है। हम इस चीज़ को भी आज रखा हुआ 74th Amendment की टंडोरा पीटा जा रहा है। पार्लियामेंट में भी कहा गया कि 1370 के साथ साथ ये भी यहाँ पे एक नई चीज़ आ गई, 73 और 74 जो है वो कंप्लीट लागू हो गई, और पहले ही जो लागू हुई थी, जो पिछली सरकार ने की थी कांग्रेस के टाइम, वही है आज जहाँ पे कोई लागू नहीं हुई। वहाँ का वहाँ पिछले 2 साल का टंडोरा पीट रहे हैं। कोविड की बात करें तो कितने महामारी फैली हुई है जो सब जानते हैं, लेकिन जम्मू में उसका प्रॉपर इलाज लोगों का नहीं हो रहा, ऑक्सीजन नहीं है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, बेड नहीं है, और देखा जा रहा है जो पेशेंट बेचारे बड़े बीमार होके आते हैं उनके पास तो डॉक्टर जाते नहीं, उनका टेस्ट करवाने तक उसका इंतज़ार करते हैं, चाहे वो जीवित रहे या ना रहे। हम कहते हैं कि कोई इसकी तरफ LG साहब ध्यान दें, और लोगों की जो जाने जा रही हैं उस पर रोका जा सके। हमारे ट्रांसफ़र पॉलिसी की भी हमें बात करनी है, जहाँ पे पता नहीं चलता, 1-10 दिन लगे होते हैं और फिर ऑर्डर निकाल देते हैं उसकी ट्रांसफ़र का, ये क्यों क्यों किया जा रहा है ऐसे। तो हम ये सब चीज़ों के ऊपर, हमारे मेयर साहब हैं जिनके अंडर ये सिलसिला चल रहा है, फादर ऑफ द सिटी हैं, इस कॉरपोरेशन के हेड हैं, मैं कहता हूँ
कि उनको जे इन चीजों के बारे में हम कई बार बता चुके हैं, उनको जागना पड़ेगा और जे पूछना पड़ेगा। हम कह रहे हैं कि हमें बुलाइए, एक मीटिंग कॉल कीजिए, हम बताएंगे कि बाड़ों के अंदर क्या पोजीशन है। तो मैं कहता हूं कि ये सब चीज़ों को लेकर के आज हमें अरोस था सब लोगों को कि ये चीज़ें जो हैं जो हमने कही हैं इसको जल्दी से जल्दी इन पर ध्यान दीजिए, अदरवाइज हम जो हैं एक बहुत जल्दी प्रोटेस्ट करेंगे अगर ये लोग अभी भी सोए रहे।